हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग गाइस। तो आज मैं जा रही हूँ मेरा दोस्त और मेरा बहन के साथ बाहर जा रही हूँ गाइस। तो आपको दिखाती हूँ गाइस मेरा ओओटीटी लुक गाइस। तो गाइस ये है मेरा ओओटीटी लुक गाइस, और ये है मेरा स्लाइडर टाइप का किटो, ये मैंने H&M से लिया था गाइस। अब इसका ये चप्पल का भी मेरा एक साल होने वाला, और इधर से सबसे ज़्यादा कीमती क्या है उनसे गाइस मेरा ये है मेरा ओरिजिनल गैस का बैग। ये जो मेरा दीदी है मौसी का बेटी जो कनाडा में रहते हैं, तो उसने मुझे गिफ्ट दिया मेरे लाइफ का ये सबसे महंगा ब्रांडेड बैग गैस का। और ये है कुर्ती जो मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, और ये है ब्लैक पैंट वो भी फ्लिपकार्ट से, और ये मेरी सोच है गैस। तो थोड़ा सा इंडियन लुक, थोड़ा सा कंफर्टेबल लुक है गाइस ये मेरे लिए, तो मैं यही पहन के जाऊंगी आज शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज आप स्ट्रीट शॉप करोगे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होना पड़ेगा ना आपको कपड़ा में। और ये साथ में बैंगल्स लगा दिए गाइस मैच होने के लिए, हो गया मेरा लुक गाइस। तो अभी मैं जाऊंगी बाहर, शगुन बाहर में रुकी है, मैं दिखाती हूँ शगुन का भी ओओटीटी लुक, फिर हम जाएंगे। ऐसा शगुन शगुन का ओओटीटी लुक हेर्न सक्छ आमा मेरो चाहिँ के भन्छ इभिनिङ वक पार्टनर पनि छ ल, रनिङ पार्टनर। अब चाहिँ जाउँ, अब शगुनको यही छ रुम, जाँदैछ, अब हामी जाँदैछु गाइस। यति गर्मी आमामा, धुप कति धुप। यता चाहिँ बहिनी पनि आइसक्यो, बहिनीको ओओटीटी लुक यस्तो छ, कति क्युट देख्दैछ हौ। अब नयाँ नयाँ बल्ल बल्ल पल्टनमा आयो ल गाइस। अब चाहिँ हामी तिनजना चाहिँ जाँदैछु, अब कता कता जाने भनेर तपाईँहरूको बाटो बाटोमा थाहा पाइहाल्छ। फाइनली हामी मिल गया है भैया इधर, और इधर से हम जा रहे हैं, तीनों इधर बैठ के जा रहे हैं गाइस हजरतगंज की ओर। और इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है गाइस। अभी हम पहुंच गए हैं लव लैंड, फिर से फाइनली हम बर्गर किंग में पहुंच गए हैं। इधर है प्रीति, इधर है शगुन। हम अभी आए हैं बर्गर किंग में, और हमने मंगाया है क्या क्या गाइस। तो गाइस आज मैंने मंगाया आइस अमेरिकानो, इसने मंगाया हॉट कॉफी, और इसने मंगाया कोल्ड कॉफी। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ, और आज लव लैंड जाके मैं डायरेक्ट मूवी देखने के लिए गया था गाइस, क्योंकि आज अमन रुका हुआ था मूवी देखने के लिए, और हम ही लेट हो गया था गाइस, क्या बोलते मैं ही लेट हो गया था गाइस मूवी देखने के लिए। और मैं दिखाऊंगी कि मैं आज क्या बनाई हूँ, क्योंकि बहुत थका आ रहा आया मूवी हॉल से, एंड देन फटाफट मैंने कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं दिखाती हूँ कि आज मैं क्या बनाई हूँ बोल के। साइड में अमन बात कर रहे गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्ब होने से सॉरी हाँ गाइस। तो गाइस इधर में मैंने बनाया है आलू न्यूट्रेला, और ये है विदाउट ऑनियन एंड प्याज का गाइस, और ये है मेरा चीज़ का चटनी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो मेरा दीदी मुझे बना के खिलाया था मेरा, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, हम ऐसे चीज़ का चटनी खाते हैं गाइस बटर का साथ बनाया। और मैंने इधर ही इलेक्ट्रिक के इधर मैंने चावल भी बैठा दिया गाइस, और फटाफट खा लूँगी गाइस, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है। इसके बाद आपको मिलती हूँ, और खाने के बाद मिलती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गाइस। तो ये है मेरा कल का आधा वाला नेक्स्ट ब्लॉग गाइस, क्योंकि कल इतना कुछ वो बताने के लिए मतलब नहीं था गाइस, तो इसलिए मैं आज किया है नेक्स्ट ब्लॉग। एंड देन अभी मैं आपको मतलब एक अच्छा सूचना मैं बताना चाहती हूँ गाइस, क्योंकि मेरा साथ हुआ है। तो मुझे कल जैसा कि मैं लव लैंड गया था तो शॉपिंग करने के लिए, तो लव लैंड में होके बहुत ज़्यादा वो हो गया था, हैक्टिक हो रहा था, इधर से अमन फ़ोन कर रहा था वैसे वैसे करके, तो मुझे एक अननोन नंबर फ़ोन आया, और अननोन नंबर फ़ोन आके मुझे मैं इधर में दे दूँगा इधर में साइड में, मुझे बोला कि आपका मीशो का सामान आया 480 का बोल के। तो मैंने डायरेक्ट चेक किया ना, मैं अभी इस मीशो वाला भी मैं इधर साइड में लगा दूँगी, मैं चेक किया कि 480 का तो है ही नहीं, मेरा होने से मेरा 190 का था,
480 का तो नहीं है। तो मैंने बोला 480 का तो नहीं है भैया, मेरा कैसे आ गया मीशो का सामान बोल के ना। और मीशो का सामान आया बोल से भी ना ADMEESU बोल के कुछ आता है मीशो का, हाँ आपका सामान पहुंच रहा है बोल के आप चेक कर सकते हैं ऐसा आता है गाइस। एंड देन उसका ऐसा भी नहीं था, उसका HDFX बोल के ऐसे कुछ था, और उसने मुझे डायरेक्ट कैंसिल करने का कोड भी कोड सेंड कर दिया। कोड सेंड करने के बाद मुझे बोला कि आप मेरा आप OTP दे दो मुझे, ये कैंसिल कर देगा, आपको पार्सल ही नहीं मिलेगा बोला। तो मैंने बोला कि कैसे आपको OTP दूँ बोल के, मुझे पता चल गया था कि वो कोई स्कैमर ही है मुझे फ़ोन करने वाला, क्योंकि ये मैंने ऑर्डर दिया ही नहीं तो कैसे मेरे नाम का आ गया। और ये ऑलरेडी हमारे पलटन में ये साइबर क्राइम का हम लोग को ऑलरेडी मैं गया था गाइस लेक्चर अटेंड करने के लिए, मैं और अमन ही गया था गाइस लेक्चर अटेंड करने के लिए। तो उधर से पता चल गया कि कभी कभी ये लोग ऐसा ऐसा करके स्कैम करने के लिए सोचता है बोल के, तो पता चल गया गाइस। तो मैंने उसको फटाफट वो नंबर ही हटा दिया, ब्लॉक में कर दिया, और बाल बाल बच भी गया, क्योंकि थोड़ा बहुत नया नॉलेज जो गेन हो गया था, क्योंकि इधर में कभी कभी पलटन में ऐसा कुछ देता है कि साइबर क्राइम कैसा होता है उसका सूचना आपको सूचित कराता है गाइस। तो वैसा से मैं बच गई हूँ। और आपको भी कभी ऐसा आए तो आप सबसे पहले अपना ऐप खोल के देख लो कि आप ये मंगाया है कि नहीं है, जबकि आप मंगाए नहीं है तो आपका नाम से ऑर्डर कैसे ही आएगा, तो आप समझ जाना चाहिए कि वो आपको स्कैम कर रहा है बोल के गैस। यही था जो मुझे बहुत बोलने का मन कर रहा था। और गैस आज मैं बनाई हूँ बीट रूट का सब्जी, आपको दिखाती हूँ। तो गैस ये रहा मेरा बीट रूट का सब्जी, और इसमें मैंने सिंपल डाला जीरा है, मेथी है, और सरसों है, और लहसुन है, और मिर्चा, इतना ही बस है। और चावल मैंने इधर बना दिया गैस, मेरा बीट रूट का सब्जी। और कल का लेफ्ट ओवर सब्जी भी था इसलिए गैस दाल नहीं बनाई हूँ मैं। ये गैस मेरा पक गया है बीट रूट का सब्जी। ये बीट रूट का भी एक बहुत ही बड़ा भाई, क्योंकि मुझे बीट रूट एकदम पसंद नहीं था। आप मेरा पहले व्लॉग में भी देखा होगा कि मैं बीट रूट सब्जी नहीं लेता था। जब से थोड़ा सा वो ब्लड का कमी आ गया, वो हो गया, तो मुझे बोला कि सब बीट रूट खाओ अच्छा है बोल के। तो मैंने ऐसे बीट रूट कैसा बनाता है बोल के देखा था गाइस। तो उधर से मैं ये बनाने सीखी हूँ ये बीट रूट का सब्जी। और आजकल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बीट रूट, और मैं जब भी जाती हूँ नीलमथा बाज़ार कहीं में भी जाती हूँ तो बीट रूट ले के आती हूँ गाइस। अभी मेरा वन ऑफ माई फेवरेट वेजिटेबल हो गया बीट रूट गाइस। अभी हम अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, इधर है अमन भी आ गया ड्यूटी से, हमने लाइट ऑफ करके रखा है इसे थोड़ा सा काला काला दिख रहा होगा ये गैस। तो गैस अभी हम लोग अपना लंच कर लेंगे, और ये चीज का चटनी, फिर आपको मिलती हूँ गैस। गैस आज आए हैं बहनी, तो हम दोनों सेम जगह से गैस अरुणाचल से है, और अभी हम खा रहे हैं क्रीम रोल। उसके लिए दूध फट गया गैस, इसे लाल चाय और मेरे लिए ब्लैक कॉफी। तो अभी हम ऐसे खा लेंगे, इसके बाद खाना खाने का टाइम है, आपको डायरेक्ट मिलती हूँ। ये बनो जा लो गाइस, एंजॉय करिए आज चला। तो गाइस मैंने क्या बोलते गाइस, आज है नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में है, और मैंने मतलब रात को मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बहन भी आया था। तो उधर से मतलब हम लोग सब चार जन, प्रीति, इसके हेमंत, और मैं और अमन, हम चार सेम जगह से बिलोंग करते हैं गाइस, अरुणाचल से। तो हम लोग थोड़ा सा गपशप करके मतलब भूल ही गया था कि गाइस वीडियो शूट भी करना है बोल के, और थोड़ा बहुत ऐसा भी लग गया था कि हाँ पर्सनल टाइम भी है गाइस, और पर्सनल टाइम में अपना करीबी इंसान लोग के साथ गपशप करके बैठने का भी मन होता है ना गाइस, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। और रही बात मैंने वो जो स्कैमर का मैंने बोला है गाइस, तो वो स्कैमर जो ना मतलब ऐसा है कि ना कभी कभी इंसान मतलब भूल भी जाता है कि हाँ आप क्या सामान लिया था बोल के, पता नहीं होते, फटाफट OTP दे देता है और मेरे गेट का इधर ही रख दो सामान बोल के, ऐसा होता है ना। तो वैसा आप नहीं करना चाहिए, पहले आप तो ना देखना चाहिए कि हाँ ऐप खोलना चाहिए कि वो मीशो बोलेगा तो मीशो से ऐप खोलना चाहिए कि, और देखना चाहिए कि आपका सामान है कि नहीं है। और ये इसी चीज़ में वो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, और हर भरी में हम लोग हो जाते हैं। और उस दिन भी मैं बहुत ही हर भरी में था, इधर से अमन फ़ोन कर रहा था काम में है बोले, क्योंकि हमको मूवी डेट भी जाना था गैस, तो वो फ़ोन कर रहा था, फिर उधर से स्कैमर फ़ोन कर रहा था, तो बहुत ही वो हर भरी में हो गया था। और लेकिन मैंने ऑलरेडी मैंने इधर में एक साइबर क्राइम का क्या बोलते मीटिंग जो इधर में मैंने अटेंड किया था, वो हम मैंने देखा था कि हाँ ऐसा ऐसा है होता है तो आपको अलर्ट होना चाहिए बोल के। तो थैंकफुली मैंने वो मीटिंग को वो क्या बोलते हैं
वो मीटिंग को मैंने गया था और मुझे पता चल गया कि हाँ स्कैमर ऐसा भी करता है बोल के ना वो लोग। तो पूरा क्या मैंने ऐप में देखा, मेरे ऐप में 480 का सामान ही नहीं है, तो मैं क्यों लूँ बोल के मैंने फ्रॉड कॉल को ऐसा भी बोला ना स्कैमर को। तो वो बोलते तो आप नहीं लेगा छोड़ दो, OTP बता दो बोले, बोलो इतना मजे से OTP बता दो। तो मैं क्यों OTP बताऊंगी, आप सामान भी आप रखो OTP भी आप रखो बोल के हम ऐसा बोल के फ़ोन काट दिया। और इसके बाद वो फ़ोन नहीं कटने से पहले इतना गंदा गाली दिया ना, तो गुस्सा लगे मुझे, मैं भी दे दिया गाली ना उसको। तो उसका उसने मुझे फ़ोन ही नहीं किया अभी तक। और वो मूवी का बारे में मैं बताऊंगी गाइस, मूवी उलझ मूवी था, उलझ मूवी बहुत ही अच्छा है गाइस। एक है कि वो इंडिया गवर्नमेंट का बारे में बोलते हैं, और वो लड़की एक फॉरेन ऑफिसर होते हैं गाइस ना, तो वो कैसे ISI में ISI का इंसान उसको मतलब ब्लैकमेल करता है कुछ चीज़ के लिए ना। तो वो क्या करता है कि उसका एक बहुत ही बढ़िया एक डायलॉग भी है कि उसको बोलते हैं कि अब ये बकरी क्या करेगी बोल के ना जानवी कपूर को, और वो जानवी कपूर बोलते हैं कि अब ये बकरी पूरा देश खा जाएगी बोलते ना। तो वो अच्छा है, वो बहुत फेमस भी हुआ है गाइस रील में भी। और इसके बाद वो मूवी ऐसा है कि एक टाइम के लिए तो जानवी तो अपने आप को मतलब सुसाइड करने के लिए भी जा रहा होता है, फिर वो फिर उसको याद आता है कि नहीं वो क्यों सुसाइड करूँ, वो ये प्रॉब्लम से कैसे वो सॉल्व करूँ बोल के। वो सब बहुत ही अच्छा है, मोटिवेशनल मूवी भी है गाइस, अच्छा लगेगा आपको। और ऊपर से वो देश का बारे में है तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा गाइस। और बहुत ही मज़ा था, और उसका गाना भी बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हुआ है। एक गाना मुझे नहीं पता लेकिन एक गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हुआ है, रील्स भी बनाते हैं उसका, और बहुत ही बढ़िया था गाइस। तो गो एंड चेक आउट उलझ मूवी आपका सामने में नियर बाय सिनेमा हॉल में, और बहुत ही बढ़िया था गाइस। और आज का व्लॉग मैं इधर ही समाप्त करूँगी। आपको अच्छा लगा देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।